जय हिंद। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, तो आप लोगों को पता है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ का जो एडमिट कार्ड है साथियों जारी हो चुका है, लेकिन तो साथियों आप लोग डाउनलोड करें तो डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप कैसे डाउनलोड करें साथियों? तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में दी जाएगी। तो आपको सिंपली बता देना चाहते हैं, पहले सबसे पहले कि आप लोग को पहले एक तो ईमेल आईडी मैसेज आया था, और साथियों आप लोग को मोबाइल नंबर भी मैसेज गया है। और जब उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मैसेज पर आप लिंक पर क्लिक करते हैं, तो आपका सिंपली दोस्तों वहाँ पर लिखा हुआ रहा है कि लॉगिन नॉट अलाउड, या फिर एक्सपायर डेट इस तरह लिखा हुआ रहा है। तो साथियों आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? सबसे पहले आप लोग को हम दिखा देते हैं कि ईमेल आईडी में आप लोग किस तरह मैसेज आ रहा है और मोबाइल नंबर में। तो हाँ साथियों, देख सकते हैं कि आपका सेम है, इसी तरह आप लोग को लिखा हुआ रहा है कि सीआरपीएफ डाउनलोड ई एडमिट कार्ड। देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आया सेम है दोस्तों ईमेल में मेरा भी, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है कि सीआरपीएफ डाउनलोड ऑफ ई एडमिट कार्ड कार्ड स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग पीएसटी डीवी डीएमई एंड आरएमई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2022। इस तरह सेम है आपको भी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पे जैसे ही लिंक पर हम लोग क्लिक करते हैं और अंदर जाते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि एक्सपायरी डेट। तो क्या मेरा ही इसी तरह प्रॉब्लम है या फिर सबका प्रॉब्लम है? तो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाले साथियों। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो हाँ साथियों, देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है सेम है। जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक टू यहाँ पे ऑप्शन आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाता है कि एडमिट कार्ड टू फॉर द स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफर पीएसटी डीवी डीएमई इस तरह के लिखा हुआ है, जिसमें हम लोग सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही अंदर जाते हैं तो मेरा इस तरह इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है, जहाँ हमको यूजर आईडी एंड पासवर्ड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, डाला जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे डालते हैं यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो यहाँ से भी मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आखिर ऐसा मेरा ही साथ प्रॉब्लम हो रहा है फिर सबके साथ? तो साथियों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सबके साथ इसी तरह प्रॉब्लम हो, आपको टेंशन नहीं होना है। यहाँ पर फिर फाइनली दोस्तों यहाँ पर लिंक जारी कर चुकी है सीआरपीएफ द्वारा कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों डाटा अपलोड नहीं किया गया है। जिस साथियों एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किया गया दोस्तों, शाम तक आपको 4 से 5 बजे तक शाम तक आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। 5 शाम तक आप लोगों को देखने के लिए एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और आप वहाँ एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे साथियों। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट कि मेरे पास जो है यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है, तो सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट यूजर आईडी का पासवर्ड का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और अपना सिंपली दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग इस तरह इंटरफेस देखने मांगेगा, जहाँ आप लोग यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है दोस्तों, ईमेल आईडी, उस पर कैप्चा फिलअप कर देना है। कैप्चा फिल करके दोस्तों आप फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएगा, तो आप अपना से यूजर आईडी पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा साथियों। तो यहाँ टाइम लगेगा थोड़ा दोस्तों यूजर आईडी पासवर्ड का मैसेज आने में, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथियों पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही एडमिट कार्ड आए तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से दोस्तों लाइव आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाया जा सके। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।